मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर राजस्थान में 7 सितंबर से दिखाई देगा और पहले ही दिन प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। और बड़ी बात यह है कि 8 सितंबर को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि बारिश का दौर 16 सितंबर तक जारी रह सकता है। हालांकि इससे पहले मौसम विभाग ने कहा है कि 4 से लेकर 6 सितंबर तक राजस्थान में कोई खास बारिश की चेतावनी नहीं है। हालांकि आज दोपहर बाद नागौर जिले के पूर्वी हिस्सों में बादल जमकर बरसे, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 से लेकर 6 सितंबर तक कुछ स्थानों पर तो बारिश होती रहेगी, लेकिन ज्यादा पश्चिमी राजस्थान का एरिया सूखा ही रहेगा। उसके बाद 7 सितंबर को जयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बारन और झालावाड़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और 8 सितंबर को भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वैसे आंकड़ों पर एक नजर डाले तो अभी भी पश्चिमी राजस्थान सामान्य से 16% पीछे चल रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग का मानना है कि 16 सितंबर तक होने वाली भारी बारिश के चलते राजस्थान सामान्य बारिश के आंकड़े से आगे निकल सकता है। और देखिए 7 और 8 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़, नागौर जिले में भी कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन फिलहाल जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में भी बन रही है। अगर कुछ मौसमी सिस्टमों में बदलाव होता है तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। जैसे ही इन जिलों के लिए कोई बड़ा अपडेट आता है तो वह हम आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण 7 सितंबर से प्रदेश में बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएगी और राजस्थान में 10 से लेकर 16 सितंबर तक सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि 7 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ सकती। पिछले 24 घंटों पर एक नजर डाले तो देखिए जैसलमेर के लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन जैसलमेर जिले के पोखरण में करीब 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के चुरू के रतनगढ़ में 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीकानेर के लूणकरण सर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नागौर में भी 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश अभी भी जारी रहेगी, लेकिन 7 सितंबर के आसपास एक बार फिर मानसून एक्टिव मोड पर आएगा और 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और पश्चिमी राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़, नागौर और पाली क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बिजलियां भी गिर सकती है। लेकिन जो बाकी पश्चिमी इलाके हैं जैसे जालौर, बाड़मेर, जोधपुर संभाग के कई जिले, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। आगे जो भी मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है तो उसकी जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।